महाराष्ट्र एमआईएम में बगावत के आसार देखकर दारुसलाम की एक टीम नांदेड़ पहुंची। टीम के अरकान ने कारकुनों का पार्टी के तई वफादारी का जायजा लेने की कोशिश की। एमआईएम के रियासती सदर सैयद मोइन की पार्टी छोड़ने की खबरों ने जहां पार्टी केडर को सदमे में डाल दिया है, वहीं दारुसलाम भी तजब्जुब का शिकार है। इस सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पार्टी ने सलीम बेग और जाबिर अहमद को नांदेड़ रवाना किया। नांदेड़ में इन दोनों लीडरों ने शहर सदर अब्दुल मुकीद के दफ्तर पर कारकुनों की एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में पार्टी कारकुनों को मजलिस से वफादार रहने की हिदायत दी गई। वहीं इस मीटिंग में कुछ गहमा गहमी भी देखी गई। मीटिंग के बाद मीडिया नुमाइंदों से भी इन्होंने बात की, लेकिन रियासती सदर सैयद मोइन पर कोई भी इल्जाम लगाने से कासिर रहे। हमारे पास कोई इल्जाम नहीं है, उनके ताल्लुक से हमको कोई जवाब देना नहीं है। वो बैरिस्टर साहब को बात करो, उनको उनको क्या उन्होंने जवाब। हैदराबाद के कारपोरेटर सलीम बेग मीडिया से बात करते हुए परेशान नजर आए। कारकुनों की इस मीटिंग का मकसद तो इन्होंने इंतखाबात के बाद का जायजा लेना करार दिया, लेकिन इंतखाबात में शिकस्त का ठेकरा भी इन्होंने नांदेड़ के पार्टी कारकुनों और केडर के सर फोड़ दिया। खामियां जैसा कि तंजीमी जो है सो जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उसके बाद मतलब कैडर ही नहीं था। हम हैदराबाद के लोग आके मरकज के लोग आके पूरा काम करे, हैदराबाद के मरकज के लोग आके पूरा काम करे, तंजीमी फुकदान था। आदिलाबाद जिले के एमआईएम सदर जाबिर अहमद ने भी मीडिया से खिताब किया। महाराष्ट्र में सैयद मोइन की अहमियत को कम करने के लिए जहां इन्होंने शख्सियत परस्ती को मुस्तरद कर दिया, वहीं दूसरी तरफ अवेसी बरादरान की शख्सियत परस्ती भी की। मोइन साहब से जमात है बोल के बोल रहे, वो अपने जहनों साफ कर लीजिए, जमात में किसी की अहमियत नहीं है। अमानुल्लाह खान जैसी हस्ती 27 साल सालार के साथ था, उन्हें निकलने से भी जमात कमजोर नहीं हुई। कोई ऐसी शख्सियत नहीं है तो साफ साफ के सामने रिस्पांस की बात करें। अच्छे अच्छे मिनिस्टर लाइन में लगा रहते, किसी को रिस्पांस मिलता नहीं मिलता वो अलग बात है। अगर जाबिर साहब अपने आप को रिस्पांस नहीं मिल रहा बोल के अगर समझ लिए तो बड़ी बहुत सीएम जैसी हस्ती है ना साहब के इंतजार में बड़े बड़े डिबेट के वास्ते वो कर रहे भी नहीं थे। पार्टी कारकुनों में हैदराबाद की इस टीम की नांदेड़ आमद को लेकर चैमगोइयां भी चल रही हैं। कहा जा रहा है कि नांदेड़ बल्दिया उज़्मा के इंतखाबात के बाद पार्टी के मरकजी कायदीन ने नांदेड़ आना तक गवारा नहीं किया, तो अब एमआईएम महाराष्ट्र में चल रही अंदरूनी खलफशार के बाद इंतखाबात का जायजा लेने का क्या मतलब। ब्यूरो रिपोर्ट, एमसीएन उर्दू न्यूज़।